ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और जैसा कि बताया कि धर्मशाला से दारुल शफा मिल गई, इसी प्रकार दादी का कानपुर में भी बहुत बार आना हुआ। तब जब हम लोग भट्टी का प्रोग्राम लेते थे, गुलजार दादी आकर के साधारण भाई बहनों की भट्टियां तीन दिन कराती थी, कभी चंद्रमणि दादी तो कभी जो है पर दादी निर्मल शांता दादी आती थी, कभी गुलजार दादी आती थी, मनोहर दादी आके भट्टियां बारी बारी कराती थी। तो कानपुर में गुलजार दादी का बहुत बार आना हुआ और बहुत उनके साथ रहना, जैसे राधा दीदी ने सुलाया एनजी साउंड में संग रहे तो हम तो उनको बना के खिलाते थे, अपने हाथों से बनाना परोसना खिलाना। पर दादियों की एक वो थी प्यार कहिए कि जो पहला गिट्टी रो कौर तोड़ती थी जी सब मिला के रोटी से उठाती थी, कहती थी आओ पहले तुम खाओ पीछे मैं खाऊंगी, तो मुंह खोलते थे वो चुमो में दे देती थी कवर हम। तो महान भाग्यशाली कहेंगे दादी की महिमा, तो कहते हैं कि जितना सागर में मोती है वो भी कम है और जितना अंबर में तारे हैं वो भी कम है। और जब साकार बाबा अव्यक्त हुए तो उस समय बड़ी हलचल थी, क्या होगा कैसे होगा यज्ञ कैसे चलेगा। तो जैसे अपना नियम है कि अंतिम अग्नि संस्कार के बाद उस आत्मा के प्रति बाबा को भोग लगाते, गुलजार दादी भोग लगाने बैठे और ट्रांस में जाके भोग लगाते थे, फिर उसके बाद उनको कुछ नहीं पता। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पहली मुरली 1969 की पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। एक एक अव्यक्त बाबा ने गुलजार दादी के तन में प्रवेश होके सुनाया और गुलजार दादी का चेहरा चेहरा ही नहीं लगता था, लगता था कोई बहुत दिव्य विभूति, कोई बड़ी देवी है इस तरह से। और सभी ने सुना, उसके बाद गुलजार दादी वापस आए, कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है क्या सुनाया है, मैं तो जानती नहीं, मैं तो सो गई थी। तो बाबा ने उनको वतन में सुला दिया और माइक का तन का आधार लेकर के सारा कुछ सुनाया।